हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू ऑल इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इन फर्स्ट पार्ट वी रेड कि जब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं तो वो बच्चा किस तरह से चिल्ला के अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहा है, कैसे अपने फादर मदर को वो ढूंढ रहा है बट उसको उसके फादर मदर नहीं मिल रहे। तो उसके बाद क्या होता है, लेट अस रीड। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड। भागते भागते वो थक चुका था, अब वो एक हारे हुए बच्चे की तरह एक जगह पे खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs, उसकी चिल्लाहट अब हल्के हल्के sobs में, हल्के हल्के आंसुओं में चेंज हो चुकी थी, दब चुकी थी। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes, कुछ थोड़ी दूरी पर ग्रीन ग्रास के पास उसने अपनी उन फिल्मी आईज से देखा men women talking, जो मैन थे विमेन थे वो खड़े होकर टॉक कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर मदर अमंग दीज पीपल। तो वो ट्राई कर रहा था कि शायद उसके फादर मदर भी वहीं उसे मिल जाए बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। तो वो जो थे सिर्फ लाफ कर रहे थे, टॉक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ऊंचा ऊंचा हंस रहे थे, उनके अमांग उसके फादर मदर नहीं थे। लेट अस मूव। ही रैन क्विकली अगेन, दोबारा से वो भागा। दिस टाइम टू अ श्राइन, श्राइन मीन्स टेम्पल, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। इवन लिटल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मैन, छोटी से छोटे इंच भी वो फुल हो चुका था, पैर रखने की भी बिल्कुल जगह नहीं थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, बट वो लोगों की लेग्स के बीच में से होता हुआ, हिज लिटल सॉबिंग लिंगरिंग, वो हल्का हल्का जो था सॉब कर रहा था, होंके ले रहा था, वो रो रहा था, मदर फादर अपनी धीमी धीमी आवाज में मदर फादर बोल रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर, तो टेम्पल के एंट्रेंस में ही द क्राउड बिकेम वेरी थिक, क्राउड बहुत ज़्यादा टाइट था। मैन जॉजल्ड ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर, उनकी हर एक की आंखों में एक तरह का ब्रूटलपन नज़र आ रहा था कि वो अभी एक दूसरे को मार देंगे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा धक्के मुक्की चल रही थी। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। तो बच्चा जो था वो कोशिश कर रहा था फीट्स में से, लेग्स में से होता हुआ था कि आगे निकल जाए, बट वो लोग भी जानते थे और वो उसको धक्का दे के फिर से पीछे कर दिया करते थे। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट, ट्रम्पल्ड मीन्स क्रश्ड, एक जगह पे तो ऐसे लगा कि वो इसको मसल देंगे। हैड ही नॉट शर्क्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, उसने फिर से जितना वो जोर के चिल्ला सकता था उसने चिल्ला के कहा फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, सर्जिंग मीन्स पावरफुल, उस बहुत भयानक उस बहुत पावरफुल क्राउड में एक आदमी ने उसकी चिल्लाहट सुनी। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, वो झुका बहुत ही मुश्किल से, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और अपनी बाहों में अपनी आर्म्स में उसे उठा लिया। लेट अस मूव। How did you get here, child? तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे पहुँचे बच्चे? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass. जो आदमी था वो उसको उस मास में से, उस क्राउड में से क्लियर करता हुआ लेके जा रहा था। The child wept more bitterly than ever now and only cried. वो बच्चा और ज़ोर से चिल्लाने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। I want my mother, I want my father. So the child was continuously repeating those phrases. I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him by talking him to the roundabout. तो वो जो आदमी था उसको लगा कि शायद मैं इसको जो है फेयर में ले जाऊंगा, राउंड अबाउट में झूले जो है दिलवा दूंगा, तो इससे जो ये बच्चा है थोड़ा सा चुप हो जाएगा। Will you have a ride on the horse? तो क्या तुमने इस हॉर्स के ऊपर राइड किया? He gently asked as he approached the ring. तो उसने उस बच्चे से पूछा। The child's throat tore into thousand shrill sobs as he only shouted. Again वो बच्चा चिल्ला रहा था, उसको कुछ भी नहीं चाहिए था। I want my mother, I want my father. The man headed toward the place where the snake charmers still played on the flute to the swaying cobra.
Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ear with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. Again, उसको जो वो आदमी था वो स्नेक चार्मर के पास ले गया जो कि फ्लूट बजा रहा था, तो उसने बोला कि स्वीट म्यूजिक को बच्चा तुम सुनो, इससे जो तुम्हें जो है इंटरेस्ट पैदा होगा। बट उस बच्चे ने अपने दोनों हाथों से अपने कान को बंद कर लिया और वो फिर से चिल्ला रहा था कि मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए। द मैन took him near the balloons, thinking the bright colors of balloon would distract the child's attention and quiet him. वो आदमी उसको बैलून्स के पास ले गया, उसको लगा शायद इसकी जो ब्राइटनेस है, इसके जो कलर्स हैं, वो इसकी अटेंशन चेंज कर देंगे और इसका जो मूड है वो चेंज कर देंगे। Would you like a rainbow colored balloon? तो क्या तुम्हें रेनबो कलर का बैलून चाहिए, चाइल्ड? He persuasively asked. उसने बहुत ही धीरे से पूछा। द चाइल्ड टर्नड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट सॉब्ड, उसने अपना मुंह मोड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। नेक्स्ट, द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक चाइल्ड हैप्पी, तो जो आदमी था वो फिर से बच्चे को खुश करना चाहता था। बोर हिम टू द गेट वेयर फ्लावर सेलर सैट, तो वो उस फ्लावर सेलर जो है गारलैंड सेलर के पास ले गया, हॉकर के पास ले गया वो। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, चाइल्ड? देखो, महसूस करो इन फ्लावर्स की खुशबू। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, तो क्या तुम्हें ये गार्लैंड चाहिए अपने नेक में पहनने के लिए, गर्दन में पहनने के लिए? द चाइल्ड टर्नड हिज नोज अवे, उस बच्चे ने अपना नाक उधर कर लिया फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सोब। रिट्रीटेड मीन्स रिपीट, दोबारा से रिपीटेडली उसने हौंका लेते हुए, उसने सोब करते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे मदर फादर चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, उस बच्चे को हैप्पी करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए वो जो मैन था वो उसको स्वीट शॉप में ले गया। बट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, वट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, यास्ट, उसने पूछा किस तरह के स्वीट्स तुम्हें चाहिए बच्चा। द चाइल्ड टर्नड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड, तो बच्चे ने अपना फेस उधर किया और वो सॉब करने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मा और पापा चाहिए। सो गाइज, फ्रॉम दिस यू कम टू नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विच दे आस्ट इन वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, Why does he refuse when someone else offered them to him? तो क्या होगा इसका आंसर, कि वो जो ऑफर करने वाला था वो उसके फादर या मदर दोनों में से कोई नहीं था, वो कोई और आदमी था। उस टाइम के ऊपर उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, उसको अपने फादर मदर चाहिए थे। तो जब उसके फादर मदर उसके पास थे तो उसको ये सभी चीज़ें चाहिए थी, बट उसको तब कोई भी चीज़ नहीं चाहिए थी जब उसके फादर मदर उससे खो गए हैं, उससे दूर हो गए हैं। Okay, so I think guys you have understood this chapter. So let us move to the question answer. First question is, so what are the things the child sees on his ways to the fair? Why does he lag behind? Lag means पीछे छोड़ देना। So उस बच्चे ने फेयर में क्या क्या चीज़ें देखी और वो पीछे क्यों रह गई? On his way to the fair, the child sees the following things. कौन कौन सी चीज़ें थी? He saw toys that were displayed in the shop lined up on the way. तो उसने टॉयज़ को देखा जो कि शॉप्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ था। He saw the vast mustard field which seemed like melting gold. तो जैसे गोल्ड को पिघला के रखा हो उस तरह के मस्टर्ड फील्ड थे वो उसने देखा। There were brightly colored dragonflies, बहुत ही चमकीली ब्राइट कलर की dragonflies थी, butterflies थी, black bees थे, which flapped their wings and sat on flower to suck nectar from them, जो कि flowers के ऊपर बैठ रही थी ताकि वहाँ पर जाके वो nectar को suck कर सकें। He also saw little insect and worms along the footpath that were crawling out of the hole in the footpath to get sunshine. तो उसके बाद उसने little insects, little जो worms थे footpath के ऊपर वो देखे ताकि उनको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। द चाइल्ड saw a dove bird in the grove, तो उसने उस झाड़ के पास dove birds भी देखे।
Also he saw a group of people walking toward the fair. लोग जो फेयर में जा रहे थे उनको भी उसने देखा. The child often lagged behind because he would watch the different happening around him. He would get attracted to these things and would stop in his ways. Then his parent would walk ahead and would be left behind. तो बच्चा जो था वो उन चीज़ों को पीछे इसलिए छोड़ता गया क्योंकि अगर वो उन चीज़ों के पास खड़ा रहेगा तो उसके उसके जो फादर मदर हैं वो दूर हो जाएंगे. ओके तो उसको पेरेंट्स के साथ चलने के लिए इन चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फेयर ही वॉन्ट मैनी थिंग्स, वट आर दे. उसको फेयर में बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, कौन कौन सी थी वो. वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. तो फादर मदर के आंसर के वेट किए बिना ही वो क्यों आगे की तरफ चल पड़ा. इन द फेयर द बॉय वॉन्टेड द फॉलोइंग थिंग्स, कौन कौन सी थी. ही वॉन्टेड टू बाय अ बर्फी फ्रॉम द स्वीट मीट सेलर, बर्फी चाहिए थी उसे स्वीट मीट सेलर से. गार्लैंड चाहिए था उसे फ्लावर सेलर से. उसको बैलून्स चाहिए थे बैलून सेलर से. और उसके बाद उसने स्नेक चार्मर का जो अट्रैक्टेड म्यूजिक था वो सुनना था, उसकी जो फ्लूट थी वो सुनना चाहता था. उसके बाद वो राउंड अबाउट में स्विंग्स चाहता था. तो जो बच्चा था उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी तरफ उसकी डिमांड्स के तरफ कोई भी ध्यान नहीं देंगे. दैट्स वाई ही डिडंट वेट फॉर द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे. उसको कब रियलाइज हुआ कि उसका रास्ता वो खो चुका है. हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब. उसकी एंग्जाइटी इनसिक्योरिटी किस तरह से डिस्क्राइब की गई है. When the child raised his demand for a ride on the roundabout, his parent did not reply. जब उसने roundabout में जो swings लेने की बात की तो उसको कोई भी reply नहीं आया. He moved his head. उसने अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया look for them, उनको देखने के लिए. It was then that he discovered that he had lost his way. तभी उसे पता चला कि वो अपना जो रास्ता है वो खो चुका है. His anxiety and insecurity have been described in following ways. किस तरह से anxiety and insecurity उसकी शो होगी. First is he ran here and there looking for his parent. इधर उधर तेजी से भाग रहा था वो पेरेंट्स को देखने के लिए. His turban untied. उसकी जो turban थी वो खुल चुकी थी. उसके जो क्लोथ से वो मडी हो चुके थे वो डर्टी हो चुके थे. एंड ही वॉज स्क्रीमिंग विद द टॉप ऑफ हिज वॉइस फॉर हिज मदर एंड फादर. वो चिल्ला रहा था, उसके जो क्राई थी उसकी जो सोब्स थे वो बाहर आ रहे थे. लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर. तो जो वो बच्चा पहले चीज़ें चाहता था अब उन चीज़ों को क्यों नहीं चाहता था. The lost child loses interest in the things that he wanted earlier because he is sad and he has lost his parents because usne apne jo parents the unko kho diya tha before getting anything of his choice like sweet flowers balloon joy rides and music. He want to reunite with his mother and father. Usko ab kuch bhi nahi chahiye tha, na to usko balloons chahiye the, na usko flowers chahiye the, na usko rides chahiye thi, na ab usko sweets chahiye the aur na hi usko wo music फ्लूट वाला सुनना था. उसको अब सिर्फ कौन चाहिए था, उसके मदर एंड फादर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स. तो एंड में क्या हुआ होगा, क्या उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को ढूंढ लिया होगा. द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी इज नॉट गिवन. एंडिंग यहाँ पे नहीं शो की गई हमें. आई थिंक दैट इन द एंड द बॉय फाइंड हिज पेरेंट्स स्टैंडिंग एट फेयर रिसेप्शन. तो मुझे लगता है कि उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को ढूंढ लिया होगा, रिसेप्शन पे खड़ा होकर अनाउंसमेंट वगैरह करवा दी होगी. डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट एंड दे रीयूनाइट वंस अगेन. तो उससे वो अपने पेरेंट्स से मिल चुका होगा और वो दोबारा से रीयूनाइट हो चुके होंगे. सो गाइज, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड आई हैव made two videos. In my first video I have covered half of this chapter and in this video we have done the leftover part of that video and I have also covered the question answer. I hope आपको समझ आ गया होगा और आपने इसको बहुत ही अच्छे से समझा होगा. और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको कहूँगा कि अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखें सुनें, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा. सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगली बार. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.